देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से है। जखनिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा रामबन में धनोतिया हॉस्पिटल आज बड़े ही सुर्खियों में है। यह हॉस्पिटल आए दिन एक नया अनोखा ही खुशबू बिखेर रहा है। इस हॉस्पिटल में आजमगढ़, मऊ, वाराणसी आदि जगहों से मरीज रेफर होकर आते हैं और निराशा को आशा में बदल देते हैं। डॉक्टर नंदलाल यादव। बीती रात ग्राम सभा भुड़कुड़ा निवासी सूरज कुमार पिता रामलाल रात में कुएं में गिर गए। पूरी रात कुएं में पड़े रहे और सुबह हुआ तो दौड़ने वाले बच्चों की नज़र कुएं में गिरे युवक पर पड़ी और इलाज के लिए गाजीपुर वाराणसी भेजा गया। मरीज गरीब होने के कारण दवा लेने में असमर्थ था। किसी तरह मरीज को लेकर धन रावती हॉस्पिटल आए और डॉक्टर साहब की देखरेख में आज मरीज अपने आप को राहत महसूस कर रहा है। इसी क्रम में सादियाबाद से आए मरीज को आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस के डॉक्टर रेफर कर दिए और कहे कि मरीज की घर पर ही सेवा बर्दाश्त करिए। लेकिन मरीज को इस हॉस्पिटल में लेकर आया गया तो स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर नंदलाल ने मरीज को एडमिट कर लिए और आज मरीज चल फिर रहा है। मरीज ने बताया कि हमारा एक हफ्ते में 4 से 5 लाख रुपए खर्च हुए और इस हॉस्पिटल में बहुत ही कम खर्च में अच्छा इलाज हुआ। मैं डॉक्टर साहब का आभारी रहूँगा। डॉक्टर नंदलाल ने बताया कि कोरोना काल में राज्य सरकार की ओर से हमारे हॉस्पिटल में 25 बेड कोरोना के लिए रिजर्व रखा गया था। मेरे यहाँ आने वाला मरीज अगर थोड़ा भी जान बाकी है तो हमारा प्रयास उसकी जान बचाने के लिए तत्पर था। इस हॉस्पिटल में आए गरीबों का कोई भी फीस लिए बिना इलाज करता हूँ। मेरे लिए हर गरीब देवतुल्य है। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करते हुए इस बात की जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना जैसे महामारी को आप द्वारा किस तरह से इस दंश को झेले हैं, आप थोड़ा सा बता दीजिए हमको। देखिए, जब कोरोना सेकेंड फेज आया था तो उस समय हमारे हॉस्पिटल में 25 बेड को सीएमओ साहब, उस समय डॉक्टर जीसी मौर्य सर सीएमओ थे और हमारे विभाग के डॉक्टर थे, वो भी एनेस्थेटिस्ट थे, मैं भी एनेस्थेटिस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर। तो उस समय जो है उन्होंने 25 बेड हमें जो है अलाट किया था कि आप 25 बेड का ट्रीटमेंट जो है आपके हॉस्पिटल में होगा। डीएम साहब ने इसका परमिशन दिया था और उस समय हमारे पास टोटल ऑन रिकॉर्ड जो है 110 पेशेंट एडमिट हुए थे, जिसमें से हमारे करीब 11-12 पेशेंट एक्सपायर हुए थे। एक दो पेशेंट घर जा कर के बाद में एक्सपायर हुए, जो मुझे बाद में सूचना मिली कि वो भी पेशेंट एक्सपायर हो गए। तो उस समय हालांकि ऑक्सीजन की कमी तो थी, लेकिन हमें जिला मुख्यालय से ऑक्सीजन मिलता रहा और गांव के लोग जो मतलब बड़े जगह नहीं जाके इलाज करा सकते थे, मेरे यहाँ से इलाज लिए, अच्छे हुए। इस बात की हमें बहुत खुशी भी है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के काम आए। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि BHU और कौड़िया जैसे हॉस्पिटल से रिजेक्ट मरी जो कि वहाँ से ये आदेश हुआ कि आप ले जाओ घर सेवा करो, आपने किस तरह से हिम्मत जुटाई कि उस मरीज को आपने भर्ती करके आज पहले चला रहे हैं? देखिए, वो मरीज बेसिकली पहले जब यहाँ से अपने घर से बनारस गया था तो वो पेशेंट के MRI में जो है इनफार्क्ट है, लैकुनर इनफार्क्ट, एक जो है स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, स्ट्रोक बीमारी हुई थी, उसमें लैकुनर इनफार्क्ट था। उस समय उसका मैनेजमेंट हुआ, थोड़ा अनकॉन्शियस हुआ तो उस समय शायद वो वेंटिलेटर पे पेशेंट गया था। वेंटिलेटर से 3-4 दिन के बाद आउट होने के बाद उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया था कि आप ठीक हो, घर जाओ। पेशेंट बाद में जो है उसको हाई ग्रेड फीवर आया और उसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि पेशेंट सेप्सिस में गया, सेप्टिसीमिया में गया। सेप्टिसीमिया में पेशेंट गया तो ये लोग फिर लेके गए वहाँ पे, शायद वो लोग वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप इसको हायर सेंटर पे ले जाओ जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और वेंटिलेटर की सुविधा। वो पेशेंट वहाँ से कौड़िया गया, कौड़िया से फिर वो BHU गया। BHU में भी किसी वजह से, हो सकता है वहाँ बेड न रहा हो या मरीज ही दवा में खर्च न करने की क्षमता रखता, हो सकता है पैसा न उसके पास रहा हो, तो वो घर ला रहा था, वो थक हार के घर ला रहा था। मैं धन्यवाद करूँगा, एक पूर्व प्रधान है।